तो अब हम पढ़ेंगे कैसे एक सर्कल के ऊपर तो टेंजेंट बनाई जाती है, और अगर वो टेंजेंट हमें किसी बाहर पॉइंट गिवन है उससे बनानी हो तो, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम द पॉइंट गिवन आउटसाइड ऑफ इट। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर्कल के अंदर टेंजेंट कैसे कैसे बनती है, पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो तीन केस ले लेते हैं, पॉइंट सर्कल के अंदर हो, बाहर हो, सर्कल पर हो। जैसे पॉइंट अगर सर्कल सर्कल मान लो ये है, और पॉइंट सर्कल के अंदर है तो टेंजेंट नहीं बना सकते, ठीक है, तो नो टेंजेंट। और अगर पॉइंट सर्कल पर ही है मान लो, इधर है पॉइंट, ये पॉइंट ए है, तो ए की टेंजेंट बनेगी, ठीक है, यूनिक वन टेंजेंट। और अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है, ये सर्कल है मान लो, सर्कल के बाहर यहां कहीं है, यहां पर है, यहां पर है, कहीं पर भी, जैसे एक पॉइंट ले लिया पी, तो यहां से दो टेंजेंट बना सकते, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट से जो सर्कल के बाहर है वहां से हम दो पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना सकते। तो ये केस है। हमारे पास जो बुक में थ्योरम गिवन है कंस्ट्रक्शन 11.3, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ, वो है टू कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ इट, ठीक है। अब मान लो एक इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है वो हम देख लेते हैं। ये एक सर्कल है, और एक पॉइंट जो है इसके बाहर है, ठीक है, यहां से हमें एक टेंजेंट बनानी है। अच्छा, सर्कल का जो सेंटर है ना वो हमें गिवन है मान लो ओ। करना क्या है, सर्कल के सेंटर और बाहर वाले पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इसका जस्ट मिड पॉइंट लेना। तो कंपास से कर सकते हैं हम, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगाया, इधर लगाया, ऊपर भी नीचे भी, हाफ से ज्यादा ओपन किया, आर्क लगाया ऊपर नीचे दोनों तरफ, और इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये हमको मिड पॉइंट मिलेगा। ये जो थ्योरम है ना, ये बुक में कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन 11.3 के नाम से। अब क्या करना है, मिड पॉइंट को सेंटर मान के यहां पे कंपास रख देंगे, और ये जो चीज है ये रेडियस बन जाएगी एम ए और ओ एम, और कंपास को इतना खोलना है ओ तक या फिर ए तक, और फिर यहां कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ऐसा बनेगा सर्कल, इसको अपन बना लेते हैं अलग कलर से, ये बनेगा ऐसा, ये सर्कल ही लग रहा ना, इलिप्स बन गया। थोड़ा फ्लैट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया पी और क्यू, इस ए पॉइंट को क्यू से ज्वाइन कर दिया, और इस पी को ए से ज्वाइन कर दिया। ये जो लाइन है पी क्यू और पी ए, सॉरी पी क्यू नहीं, ए क्यू, ए क्यू और पी ए, ये टेंजेंट टू सर्कल है, ठीक है। ये कैसे प्रूव हुआ,
कि ये टेंजेंट ही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। जैसे मान लो आपने ये सर्कल दिया हुआ है और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ की, तो अगर रेडियस को तुम ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये ओ है, ये क्यू ले लो, ये ए और ये बी ले लो, तो हम कहेंगे ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो क्या ये वाला जो एंगल है, मान लो रेडियस अगर मैं बनाता हूं, सर्कल की रेडियस बना लेते हैं, अलग कलर है, ये रेडियस सर्कल की ऐसी कुछ होगी और ये ऐसी कुछ होगी, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पता लगाते हैं। देखो अगर तुम ये पिंक वाला सर्कल देखोगे, ठीक है, तो पिंक वाले सर्कल का डायमीटर क्या है, ओ ए है और इसका सेंटर क्या है, एम है, ठीक है। और सेंटर पे हमेशा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री के जाना। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, मतलब ये पूरा आर्क है इतना बड़ा सेमी सर्कल का, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर इसी आर्क को तुम देखोगे तो ये सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, 180, ठीक है। और यही आर्क अगर इसे कॉर्नर ज्वाइन कर ले तो ये अदर पार्ट पे कितना बना रहा है, ये इतना बना रहा है। तो थ्योरम होती थी कि ये जो एंगल है ना, ये इसका डबल होता था, मतलब ये इसका हाफ, ये इसका डबल। तो अगर ये 180 है तो ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो गया। तो एक थ्योरम 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ी है कि एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि पी ए जो है वो परपेंडिकुलर टू ओपी है, मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। सिमिलरली ए क्यू जो है वो भी परपेंडिकुलर है ओ क्यू के, वेयर ओ क्यू एंड ओ पी आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दोनों रेडियस हो गई, रेडियस के लाइन हो गई, लाइन की तो टेंजेंट बन गई, ठीक है। ऐसे हमको टेंजेंट बनानी है सर्कल पे अगर बाहर एक पॉइंट दिया हुआ हो। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपका काम शुरू। आपको करना है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, डिसलाइक, जो भी आपकी मर्जी है वो करो, ठीक है। डिसलाइक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक तो हुआ मैं, जितनी बार डिसलाइक करोगे बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम्स के लिए।